यो व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है मेरी एक और नई माइनक्राफ्ट की वीडियो में। तो आपने थंबनेल देखकर तो आपको पता चल गया होगा कि आज हम बनाने वाले हैं वुड फार्म। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो उसका प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, इस साइड थोड़ा बहुत बड़ा ऐसा ही बनाएंगे जिसके अंदर कम से कम 7 से 8 पेड़ तो आ ही जाए आराम से। तो मैं बना देता हूँ, तो गाइस प्लेटफॉर्म बना लेते हैं जल्दी से जल्दी। मैं वीडियो को थोड़ा कट कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो गाइज़ मैंने बना लिया है अपना वुड फार्म और मैं यहाँ पर बोन व्हील बनाने आया था, क्योंकि मेरे पास थोड़ी बहुत बोन पड़ा हुआ था। जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का बना हुआ है। ये आपने अभी देख लिया, अभी तो इससे थोड़ा मैं और बड़ा करूँगा। अभी तो मैंने यहाँ पर जो थोड़े 3-4 ही पेड़ लगाए हैं, अभी थोड़ी देर बाद देखना मैं इस यहाँ पर 7 से 8 पेड़ लगा दूँगा जो कि हमें बहुत ज़्यादा वुड दे देगा, जिससे हमें वुड की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। और ये जो अब हमारा जो फार्म है, इसे भी मैं जो यहाँ से चेंज करने वाला हूँ, अपना ये जो खेत है इसे हम यहाँ पर से हटाने वाले और इसे दूसरी जगह पर प्लेस करने वाले हैं। तो जल्दी से मैं इस एरिया को बड़ा कर देता हूँ ताकि यहाँ पर और भी ज़्यादा पेड़ आ सके। और गाइस वीडियो आपको कैसी लग रही है? वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना गाइस। भाई लोगों, आपको इस आपका सपोर्ट चाहिए हमको जल्दी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊं। मैं अभी थोड़े दिन बाद में अपने दोस्त के साथ भी माइनक्राफ्ट खेलने वाला हूँ। नॉर्मल जो है, नॉर्मल अब हमारा सर्वाइवल वर्ल्ड हम जनरेट करेंगे। अभी इस वाली सीरीज़ को जैसे ही मैं एंड करूँगा, अगली वीडियो उस पर आएगी और उसमें और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला। ओ भाई ये क्या हो गया? ओ भाई, अरे भाई मेरा इतना सारा सामान पूरा चले गया भाई, अब क्या करें? आई एम नूब भाई, क्या करूँ भाई, इतना सारा सामान तो अच्छा हुआ मैंने बाकी के आधे सामान मैंने जो है अलग से रख दिए थे। बाकी अब भाई क्या ही के लिए कर रहा, पहले ही मेरी हालत ख़राब हो रखी है। तो इतने सारे पेड़ हमने यहाँ पर लगा दिए और मैं और भी बोन मिल बना के ले आया हूँ ताकि ये पेड़ मैं जल्दी से ग्रो कर सकूँ और हमारा जो है वुड का फार्म या फिर बगीचा कह सकते हो, ये बहुत ही अच्छे तरीके से दिखे। और बाकी ये जो वुड के ये वाली जो है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली वुड की क्वालिटी। अभी हमारा हम कासल भी इसमें बनाएंगे, छोटा सा बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस सीरीज़ को मैं जल्द से जल्द एंड करना चाहता हूँ और भी न्यू गेम खेलेंगे। गाइस इस जगह पर हम बनाएंगे हमारा खेत, ये देखें यहाँ पर कुछ अलग ही तरीके से। ओ भाई पिलेजर उन कहाँ से आ गए भाई, मुझे अभी ढंग से खेलना भी नहीं आता है और ये पिलेजर होना आ चुके हैं यहाँ पर। तो भाई जल्दी से मैं घर के अंदर चले जाता हूँ और पहले थोड़ा कुछ खा लेता हूँ ताकि मेरी हेल्थ जल्दी से भर जाए। ये लो भाई, पहला विलेजर तो मैंने निपटा दिया है और इसने मुझे कुछ इफेक्ट भी दिया है, इसकी वजह से मेरे बहुत सारे जानवरों को मेरे को मारना पड़ा। बस 3 ही आए थे और तीनों को मैंने मार दिया था, मेरी बहुत सारे जानवर इसमें मर चुके हैं। तो जल्दी से हम जो मेरा जो काम कर रहा था मैं वो करना चालू कर देता हूँ। और हमने कोबलस्टोन जनरेटर भी बनाया है, आप देख सकते हो उधर। और ये हमारा जो वुड का फार्म है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पर जो हम काम कर रहे थे जल्दी से हम वो करना चालू करते हैं। अब स्लैब्स कहाँ गए भाई, चलो थोड़ा खाना खा लेते हैं और जल्दी से भाई इस एरिया को दो बड़ा कर देते हैं। भाई इतने सारे सामान थे मेरे पास, पूरा डायमंड का आर्मर था, पूरा चले गया। कोई बात नहीं, वापस से हम बना ही लेंगे उसे। तो मैं जल्दी से ये वाला जो है ये पूरा इसको तैयार कर लेता हूँ। प्लेटफॉर्म गाइस तैयार हो चुका है और अब मैं आपको बताता हूँ मैं किस तरीके से जो है अपना खेत यहाँ पर बनाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही बड़ा होगा, मतलब पिछले वाले से तो 2 गुना ही होगा, जो कि बहुत ही बढ़िया हमें जो है प्रोड्यूस कर देगा हमारे लिए फूड।
मोर मेरे विलेजर हूँ तो भाई पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। उनके लिए बेड भी मैंने लगाया तब भी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। आप शायद सुसाइड कर रहे हैं, यहाँ से नीचे कूद रहे हैं। और ये इस वाले हिस्से को हटा कर मैं यहाँ पर अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाने वाला हूँ, पर कुछ हट के एकदम बढ़िया रहेगा वो। मैं हटा देता हूँ इसे जल्दी से जल्दी। ये डर्ट के ब्लॉक्स भी नीचे जा रहे हैं, डर्ट बहुत कम है मेरे पास, तब भी क्या कर सकते हैं। इतनी पास में से अगर मैं करूँगा तो मैं खुद ही नीचे गिर जाऊँगा डर्ट को बचाने के चक्कर में। तो मैं स्मूथ स्टोन से बनाऊँगा, स्मूथ स्टोन ही बोलते हैं कि क्या, स्टोन ब्रिक्स स्लैब। हाँ स्टोन ब्रिक्स, इस डिज़ाइनर थोड़े देखो गाइस, सबसे पहले आपको अगर बनाना हो तो आप बना सकते हो इस तरह का। मैंने जो पूरा बनाकर कंप्लीट कर दिया है, मतलब बहुत ही आसान है ये। ये देख सकते हो गाइस, ये बन चुका है एकदम प्यारा सा अनलिमिटेड वाटर सोर्स। इसमें से हम कितना भी वाटर निकाल ले ख़त्म ही नहीं होगा गाइस। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने खेत में इससे पानी डालता हूँ। स्लेब्स में जो है गाइस पानी जो है बहता नहीं है, तो इसलिए हमें एक एक डालना पड़ेगा। मैं दो तीन डाल दूँगा, उससे पूरी ज़मीन जो है गीली हो जाएगी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय। मैं जल्दी से ही अपना जो है इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाने वाला हूँ, तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो